यूपी लोकसभा चुनाव पर टिकट का इंतजार कर रहे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। जहां महिला रेसलर मामले में उनकी छवि धूमिल होने के बाद उन्हें टिकट मिलने पर खतरे के बादल छा रहे थे, अब चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस थमाकर एक और बड़ा झटका दे दिया है। ब्रजभूषण पर आरोप है कि उन्होंने बिना इजाजत गाड़ियों का काफिला निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। मामले में करनैलगंज SDM ने नोटिस जारी कर अब जवाब मांगा है। जानकारी के अनुसार ब्रजभूषण शरण सिंह ने करनैलगंज कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र में गाड़ियों का काफिला निकाला था। यह मामला सामने आने के बाद अब उनसे टिकट पर और खतरा मंडरा रहा है। वैसे तो महिला रेस्लर मामले में अभी केस चल ही रहा था और उस पर भी जल्द फैसला भी आना है, लेकिन उससे पहले यह झटका लग गया कि बीजेपी ने 5 सीटें सहयोगी दल को छोड़कर अभी तक यूपी की 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जबकि अभी 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है, जिसमें एक सीट कैसरगंज भी है। वैसे भी इस बार चर्चा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का बीजेपी टिकट काट सकती है और खबर तो यह भी है कि उनके बेटे या फिर पत्नी को टिकट दिया जा सकता है। बता दें कि यूपी की कैसरगंज सीट पर 5वें चरण में 20 मई को चुनाव होना है और इसको लेकर सभी दलों ने अपनी पूरी तैयारी कर लिए। हालांकि इस सीट पर बीजेपी सपा और बसपा ने अभी तक किसी को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। शायद विपक्षी दलों को बीजेपी के फैसले का इंतजार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।